वेलकम टू स्टूडेंट्स टू एन डी ए मैथ्स क्लासेस बाई डी बी सर तो बच्चों आज की इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम पेपर विच वॉज हेल्ड ऑन नाइन जनवरी टू थाउजेंड ट्वेंटी टू जो कल ही हो रखा है आपका सो so, हम आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे मैथ्स वाला पार्ट जहाँ तक मैथ्स वाले पार्ट की बात करें बच्चों तो इट वॉज कंपेरेटिवली ईजी ठीक है मीन्स एवरेज काइंड ऑफ पेपर था डिफ़िकल्ट नहीं गएंगे हम इस पेपर को तो स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग मच टाइम विद क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ठीक है एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी सिक्स से स्टार्ट है तो हियर वी गो विद क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी सिक्स वट इज़ द फ्रैक्शन दैट द सम ऑफ द सेडेड रीजन्स रिप्रेजेंट तो यहाँ पे सैडेड रीजन आपको दिख रहे हैं फिगर्स में और आपने इसको फ्रैक्शन में बताना है कितना पार्ट सेडेड है ओके तो दो सर्कल बने और दोनों सर्कल में काउंट करेंगे नंबर ऑफ पार्ट्स की तो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन अलेवन ट्वेल्व ये ट्वेल्व पार्ट्स आपके हैं टोटल ओके टोटल ट्वेल्व पार्ट्स हैं एंड आउट ऑफ ट्वेल्व पार्ट्स सेडेड वाले हैं आपके वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट ये वाले पहले वाले सर्कल में हो गए वैसे दूसरे वाले सर्कल में देखें तो इसमें भी टोटल ट्वेल्व पार्ट्स आप काउंट कर लीजिएगा एंड हीयर जो सेडेड पार्ट हैं वन टू थ्री फोर फाइव तो फाइव आउट ऑफ ट्वेल्व हो गए आपके तो so, कितना हो गया? और अगर हम डिवाइड करेंगे तो ट्वेल्व रिमाइंडर वन बचा अपॉन टन होल्व सो डी विल बी करेक्ट आंसर ठीक है अब क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी सेवन देखिए आप वट इज द वेट ऑफ टू दर्जन बिस्किट इफ इच बिस्किट वे फोर ग्राम मीन दो दर्जन बिस्किट्स का वेट कितना होगा अगर एक बिस्किट का वेट फोर ग्राम है तो दो दर्जन का मतलब कितने बिस्किट्स हो जाएंगे वन दर्जन में ट्वेल्व होते हैं तो टू दर्जन में कितना हो जाएंगे टू तो इंटू ट्वेल्व दैट इज़ ट्वेंटी फोर ठीक है ट्वेंटी फोर से अब जो है एक बिस्किट का वेट फोर ग्राम है तो ट्वेंटी फोर बिस्किट्स का वेट हो जाएगा ट्वेंटी फोर इंटू फोर तो इसको मल्टीप्लाई करके आपका आएगा नाइन्टी सिक्स ग्राम ओके सो डी विल बी करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ओके अब चलते हैं हम नीचे नीचे की तरफ क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी एट क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी एट देखिए आप चूज़ द पॉसिबल सेवन डिजिट नंबर दैट यू कैन फॉर्म यूजिंग ईच ऑफ द फॉलोइंग डिजिट्स फाइव वन एट ज़ीरो थ्री मीन सबसे छोटा हमने सेवन डिजिट नंबर बनाना इन डिजिट्स का यूज़ करते हुए फाइव वन एट ज़ीरो थ्री तो सिंपल सा आपका है ही तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डायरेक्टली यहाँ पर अगर आप देखें तो वन का भी यूज़ करना है वन ये बी वाला जो ऑप्शन है आपका देख रहे होंगे आप वन डबल जीरो वन थ्री फाइव एट ओके दिस विल बी करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर मीन्स बी ऑप्शन ओके कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन सम ऑफ द प्लेस वैल्यूज ऑफ द अंडरलाइन डिजिट्स इन द गिवन नंबर इज तो इनके जो प्लेस वैल्यू है इनका सम निकालना है अंडरलाइन डिजिट्स आपके यहाँ पर फाइव है और यहाँ वन है तो ये आपका आ जाएगा फाइव इन दोनों को ऐड करूँगा इनकी uh, प्लेस वैल्यूज़ को तो फाइव थाउजेंड वन आ जाएगा दोनों का फाइव थाउजेंड वन फाइव थाउजेंड प्लस वन फाइव थाउजेंड वन और यहाँ पर अगर हम बात करें थ्री की प्लेस वैल्यू क्या है वन टेंस हंड्रेड थाउजेंड टेन थाउजेंड लैक तो आपका ये आपका थ्री लैक हो गया थ्री लैक में पांच जीरो आ जाएंगे ठीक थी, है ठीक है और यहाँ पर आपका सेवन की प्लेस वैल्यू हो गई सेवेंटी तो कितना हो जाएगा थ्री सेवेंटी तो वन टू थ्री फोर फाइव थ्री लैख सेवेंटी हमने लिखा इनको ऐड कर देते हैं सॉरी, इसको ऐड कर लेते हैं हम लोग ठीक है ऐड करेंगे तो व्हाट यू विल गेट हियर? वन सेवन जीरो फाइव थ्री जीरो मीन्स थ्री जीरो फाइव फाइव जीरो सेवन वन ठीक है थ्री जीरो फाइव जीरो सेवन वन सो पहला वाला जो आपका ऑप्शन है ई ऑप्शन इट विल बी करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन ओके कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्टी तो सिंपल सा सिमेट्री का क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स इज नॉट सिमेट्रिकल अलोंग द डोटल लाइन तो बाकी अगर पहले की बात है ये सिमेट्रिकल है दूसरा भी सिमेट्रिकल है ओके okay? और तीसरा वाला सिमेट्रिकल नहीं है ये वाला ये चौथा भी आपका सिमेट्रिकल है सो सी विल बी करेक्ट आंसर जो थर्ड वाला है इट विल बी करेक्ट आंसर ओके कम टू क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दैट इज थर्टी वन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एन इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ठीक है फाइव पॉइंट सेवन इक्विवेलेंट कौन नहीं है अगर पहले वाली की बात करें तो फाइव पॉइंट सेवन को थ्री और थ्री से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका फाइव थ्री या फिफ्टीन सेवन थ्री या ट्वेंटी वन तो ये इक्विवेलेंट है ओके और इसको देखें हम फाइव नाइन या फोर्टी फाइव हो रहा है देखिए आप फाइव से कंपेयर करेंगे इसको फोर्टी फाइव तो फाइव नाइन या फोर्टी फाइव हो रहा है ओके एंड हीर यहाँ पे सेवन नाइन या सिक्सटी थ्री होता है बट यहाँ फिफ्टी सिक्स है तो ये आपका गलत हो जाएगा ओके और बाकी को आप देखें इसका जो आंसर होगा टू ये आपका सही आंसर हो जाएगा अगले वाले को देखिए तो फाइव फाइव जा ट्वेंटी फाइव सेवन फाइव जा थर्टी फाइव और यहाँ फाइव टू जा टेन सेवन टू जा फोर्टीन ओके तो बी विल बी करेक्ट आंसर नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन ये आपका कौन सा था क्वेश्चन नंबर थर्टी वन ओके नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर थर्टी टू ये आपका सैडेड रीजन दिख रहा होगा आपको ठीक है रेक्टेंगल बना हुआ है और रेक्टेंगल के अंदर एक छोटा रेक्टेंगल पहले है और एक स्क्वायर है तो हमने सडे डिजन की एरिया निकालनी है तो देखिए सबसे पहले तो हम सबसे जो बड़ा स्क्वायर है ठीक है बाहर वाले स्क्वायर है सबसे जिससे घटाएंगे हम लोग ठीक है बड़े वाले स्क्वायर के एरिया में से रेक्टेंगल की जो छोटा वाला रेक्टेंगल है और जो आपका स्क्वायर है दोनों की एरिया को हम घटा देंगे ओके तो यहाँ पे बड़े वाले रेक्टेंगल की एरिया आ गई होगी ट्वेंटी फाइव इंटू नाइन लेंथ इंटू ब्रेथ माइनस छोटे वाले रेक्टेंगल की एरिया होगी फोर इंटू सेवन फोर इंटू सेवन ओके माइनस और ये स्क्वायर आपका सिक्स सेंटीमीटर का तो सिक्स इंटू सिक्स हो जाएगा आपका ये ठीक है ट्वेंटी फाइव नाइन जी आपको मालूम है कितना होता है टू हंड्रेड ट्वेंटी फाइव सेवन फोर जा ट्वेंटी एट सिक्स सिक्स जै थर्टी सिक्स अब माइनस माइनस प्लस होता है आपको मालूम है तो टू ट्वेंटी फाइव को ऐसे रहने दो माइनस इसमें से आप माइनस माइनस प्लस कीजिए दोनों को ट्वेंटी एट और थर्टी सिक्स को फोर्टीन सिक्सटी फोर आपका आ गया ओके अब इसको घटा दीजिए तो कितना जाएगा वन और सिक्स 161, okay 161 ओके are getting, so यू आर गेटिंग सो ए विल this करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन next कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वाला क्वेश्चन भी सिंपल से आपका डायरेक्टली है देखिए क्वेश्चन नंबर 33. कन्वर्ट द फ्रैक्शन 15 होल 1 upon 25. ट्वेंटी तो इसीलिए आपने ज़्यादा कुछ नहीं करना है 1 पॉइंट ट्वेंटी को डेसिमल में कन्वर्ट कर दो तो 1 अपॉइंट ट्वेंटी का मतलब होता है 1 पॉइंट ट्वेंटी को अगर मैं 4 से डिवाइड और मल्टीप्लाई करूंगा तो व्हाट यू गेट 4 अपॉन हंड्रेड यानी कि ये आपका आ गया जीरो पॉइंट जीरो पॉइंट ज़ीरो फोर ठीक है और फिफ्टीन वैसे ही रहेगा तो आंसर हो जाएगा आपका फिफ्टीन प्लस जीरो पॉइंट जीरो फोर यानी कि फिफ्टीन पॉइंट जीरो फोर सो टू विल बी करेक्ट आंसर ओके नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर थर्टी फोर वट वुड बी द प्राइज ऑफ सेवन चेयर इफ़ द प्राइज ऑफ वन चेयर इज इतना तो एक चेयर का प्राइस इतना है तो सेवन चेयर का प्राइस कितना होगा सिंपल सा क्वेश्चन है सेवन से मल्टीप्लाई कर लीजिए इसको तो कितना आ जाएगा सेवन फाइव जी थर्टी फाइव केरी थ्री सेवन फोर जा ट्वेंटी एट प्लस थ्री थर्टी वन केरी थ्री सेवन टू जा फोर्टीन प्लस थ्री सेवेंटीन के री वन सेवन फोर जा ट्वेंटी एट ट्वेंटी नाइन ट्वेंटी नाइन के री वन सेवन सिक्स फोर्टी टू फोर्टी थ्री फोर सेवन सेवन फोर्टी नाइन प्लस फोर फिफ्टी थ्री और डेसिमल आ जाएगा आप यहाँ पे. तो आपका कितना हो गया फाइव थ्री थ्री नाइन सेवन फाइव थ्री थ्री फाइव थ्री कुछ गड़बड़ हो गया मल्टीप्लाई करने में चलो कोई नहीं दोबारा मल्टीप्लाई कर लेते हैं इसको ठीक है इसको दोबारा मल्टीप्लाई कर लेते हैं ऊपर नीचे जो हो रखा है इनको हटा देते हैं पहले यहाँ पे मल्टीप्लाई करना आपका सीधे डायरेक्टली इसमें मल्टीप्लाई कर लेंगे हम लोग ठीक है तो यहाँ पे सेवन से मल्टीप्लाई करना है तो सेवन फाइव या थर्टी फाइव के री थ्री सेवन फोर या ट्वेंटी यहाँ सेवन टू या फोर्टीन Plus three seventeen, seventeen. Okay. Carry one. Seven twenty eight, twenty nine. Carry one. Sorry, carry two. Seven 6, 42. 42 plus two forty plus four. 7, 7, 49, plus 4, 53. 5, 3, four nine seven point one five five three forty nine 497.15, सो टू विल बी करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन ओके केवल मल्टीप्लाई करना आपने ज़्यादा कुछ सिंपल सा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35. अब वेबिनार हैज थ्री इंटरवल्स ऑफ 5 मिनट्स मीन्स एक वेबिनार जो है, है तीन इंटरवल्स हुए और उसमें हर इंटरवल 5 मिनट्स का था व्हाट इज द टोटल ड्यूरेशन ऑफ द इंटरवल्स तो इंटरवल्स का टोटल ड्यूरेशन कितना हुआ ओके okay. तो यहाँ पे किस किसमें निकालना है सेकंड्स में यानी कि ये मिनट में ये मैंने आपने आंसर निकालना है सेकेंड्स में तो टोटल जो आपका तीन इंटरवल हो गए उसमें टोटल मिनट्स कितने होंगे फाइव थ्री या फिफ्टीन ओके और एक मिनट में कितने सेकेंड्स होते हैं सिक्सटी तो फिफ्टीन मिनट्स में कितने सेकेंड्स होंगे फिफ्टीन इंटू सिक्सटी तो फिफ्टीन सिक्स या नाइन्टी होता है एक जीरो आपका साथ में आ गया तो नाइन हंड्रेड सेकेंड्स सो सी विल बी करेक्ट आंसर ओके नाउ अगला बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर थर्टी सिक्स जैसे कि आप देख रहे हैं स्क्रीन पे क्वेश्चन ऑयल टैंक कैन होल्ड सिक्सटी लीटर्स ऑफ ऑयल अनदर ऑयल टैंक कैन होल्ड थ्राइस एस मच वट इज़ द टोटल कैपेसिटी ऑफ द टैंक्स तो एक ऑयल टैंक की कैपेसिटी है सिक्सटी लीटर और जो दूसरा टैंक है उसकी कैपेसिटी उसकी तीन गुनी है तो यानी कि पहले टैंक में सिक्सटी लीटर आएगा ऑयल और दूसरे टैंक में आ जाएगा इसका तीन गुना यानी कि वन एट्टी लीटर सिक्सटी थ्री या वन एट्टी अब इन दोनों को जोड़िए आप कितना आ गया वन एट्टी प्लस सिक्सटी टू फोर्टी लीटर्स ठीक है तो इसका आंसर हो जाएगा सेकेंड टू फोर्टी लीटर्स ओके नाउ वट इज़ द साइड ऑफ अ क्यूब इफ इट्स वॉल्यूम इज सिक्सटी फोर सेंटीमीटर सिक्सटी फोर सेंटीमीटर आपको वॉल्यूम ऑफ क्यूब मालूम है ठीक है ए का क्यूब इक्वल टू सिक्सटी फोर तो सिक्सटी फोर का क्यूब रूट निकाल दीजिए तो सिक्सटी फोर किसका क्यूब होता है वो देख लीजिए आप फोर का क्यूब होता है सिक्सटी फोर यानी कि आंसर आपका हो जाएगा ए की जो वैल्यू आ जाएगी इट विल बी फोर ठीक है तो साइड ऑफ द क्यूब विल बी फोर सेंटीमीटर दैट मीन्स टू विल बी करेक्ट आंसर नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर थर्टी एट क्वेश्चन नंबर थर्टी एट में है विच ऑफ़ द फॉलोइंग न्यूमर्स आर अरेंज्ड अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर तो असेंडिंग ऑर्डर में आप अच्छे से देख लीजिए ये आपका थर्ड वाला मुझे दिख रहा है वन टेन थाउजेंडेंड फाइव हंड्रेड ट्वेंटी नाइन से बड़ा ट्वेल्व थाउजेंड फोर्टी नाइन हो गया ट्वेल्व थाउजेंड फोर्टी नाइन थाउजेंड फाइव हंड्रेड नाइन हो गया और उससे बड़ा फिफ्टीन थाउजेंड टू हंड्रेड फोर्टी नाइन हो गया सो सी विल बी करेक्ट आंसर ठीक है नाउ कम टू द नेक्स्ट ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है आप तीर का निशान आप देखिए नेक्स्ट क्या आएगा तो तीर पहले यहाँ पे था फिर आप कहाँ गया यहाँ पे गया फिर यहाँ गया खिसकते जा रहा है यहाँ ठीक है तो ये तो कॉमन सेंस है तो तीर आपका यहाँ आ जाएगा ये वाला अगले सीन में तीर यहाँ आ जाएगा ठीक है अगर हम सर्कल की बात करें तो सर्कल पहले नंबर पर यहाँ था फिर यहाँ खिसका फिर नीचे आया फिर सर्कल कहाँ आएगा आप सर्कल यहाँ यहाँ पहुँचा ऊपर चला जाएगा यहाँ पर ठीक है तो ऐसा कोई फिगर दिख रहा है आपको जहाँ पे ये दोनों दिख रहे हैं आपको तो सी अब में दिख रहा है बाकी लोगों को चेक करने की होती नहीं है तो सी विल बी करेक्ट आंसर वैसे पहले एरो से ही आंसर बन गया था ये ठीक है तो बाकी दूसरे वाले को चेक करनी जो होती नहीं थी नाउ कम टू नेक्स्ट ओके क्वेश्चन नंबर फोर्टी तो यहाँ आप देख लूँगा ट्राइंगल प्लस ट्राइंगल प्लस यहाँ पे एक सर्कल का थ्री ओपॉन्ट फोर पार्ट गिवन है तो इनका सम करके कितना आ रहा है फोर ट्वेंटी तो चलो ट्राइंगल को मैं एक्स मान लेता हूँ प्लस ये भी एक्स हो गया प्लस ये हो गया आपका मान लेते हैं वाई इक्वल टू फोर ट्वेंटी ठीक है थीके? और यहाँ पर आपका है वाई इसको वाई माना था हमने माइनस ये आपका आ गया एक्स ठीक है तो हमारे पास दो इक्वेशन बन गए बच्चों एक्स प्लस एक्स पहले वाला इक्वेशन देखिए एक्स प्लस एक्स कितना हो गया टू एक्स ठीक है प्लस वाई इक्वल टू आ गया फोर ट्वेंटी और जो दूसरा इक्वेशन है हमारे पास वो बन गया वाई माइनस एक्स इसको हम माइनस एक्स प्लस वाई भी लिख सकते हैं बात देखिए ठीक है थीके? इसको हम माइनस एक्स प्लस वाई भी लिख सकते हैं बात एक ही है ठीक है माइनस एक्स प्लस वाई इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास कितना इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास ये हमें गिवन है नाइन्टी अब इन दोनों को जोड़ दीजिए आप तो जोड़ेंगे तो टू एक्स और माइनस एक्स से क्या बनेगा आपका वन एक्स ठीक है टू एक्स माइनस एक्स आपका वन एक्स आ जाएगा यानी कि एक्स ओके okay? या एक काम करते हैं दोनों को घटा देते हैं हम लोग क्योंकि यहाँ से हमने वैल्यू निकालनी है किसकी वाई की पहले एक्स की वैल्यू निकाल देते हैं ठीक है तो यहाँ से इसको हम घटा देते हैं माइनस माइनस ये आपका प्लस हो जाएगा नीचे में ये आपका माइनस हो जाएगा यहाँ माइनस आ जाएगा तो 420 में से 90 घटाई कितना गया जीरो थ्री थ्री हंड्रेड थर्टी आ गया वाई में से वाई घटा जीरो हो जाएगा कट जाएगा टू एक्स में से एक्स जोड़ेंगे आप यहाँ पे थ्री एक्स आ गया तो एक्स की वैल्यू कितनी आएगी हमारे पास एक्स इक्वल टू थ्री थर्टी अपॉन थ्री काट दीजिए इसको वन वन जीरो ठीक है वन वन जीरो हंड्रेड टेन आ गया एक्स की वैल्यू तो एक्स की वैल्यू 110 है तो दूसरा इक्वेशन देखिए आप दूसरा इक्वेशन था हमारे पास y माइनस एक्स इक्वल टू नाइन्टी और x की वैल्यू कितनी आई थी x की वैल्यू 110 आ गई तो 110 टेन यहाँ रख दीजिए माइनस वन वन जीरो इक्वल टू नाइन्टी तो यहाँ से क्या बन जाएगा आपका 190 को उस तरफ भेजेंगे तो आपका आ गया टू हंड्रेड ओके तो वाई की वैल्यू हो गए टू हंड्रेड देट मींस हमने वाई निकालना था बिकॉज इसको हमने वाई माना था ये जो आपका थ्री फोर्थ ऑफ अ सर्कल है तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी वाई की वैल्यू 200 so 2 will be correct answer okay now come to next question पहले इसको थोड़ा सा हम हटा देते हैं यहाँ से it will create disturbance here okay यहाँ से disturb करेगा तो इसको हम पहले हटा देते हैं now okay बहुत है Inna, if the classes of the senior students starts every day at 8:35 a.m. or end करते हैं 1:45 p.m. विदाउट एनी ब्रेक्स सो फाइंड द टोटल ड्यूरेशन ऑफ क्लास तो क्लास कितने घंटे चली तो वन फोर्टी फाइव को कन्वर्ट कर दो आप ट्वेंटी फोर आवर्स के उसमें क्योंकि ट्वेल्व के बाद जो आपका टाइम होता है उसको हम क्या बोलते हैं थर्टीन फोर्टीन फिफ्टीन ऐसे तो वन फोर्टी फाइव पी एम को हम क्या बोलेंगे थर्टीन फोर्टी फाइव पी एम ओके थर्टीन फोर्टी फाइव हो गया आपका ये और इसमें से एट थर्टी फाइव को घटा दीजिए तो इसको माइनस करेंगे तो यहाँ आपका टेन आ गया और यहाँ आ गया एट प्लस फाइव थर्टीन तो फाइव ओवर टेन मिनट्स तो फाइव ओवर का मतलब क्या होता, 5 into 60. होता है फाइव इंटू सिक्सटी एक घंटे में कितने मिनट होते हैं सिक्सटी तो फाइव आवर्स में कितना हो जाएंगे फाइव सिक्स गया थर्टी थ्री हंड्रेड थ्री हंड्रेड मिनट्स प्लस टेन मिनट्स तो थ्री हंड्रेड टेन मिनट्स आपका आ जाएगा ओके सो यहाँ दोबारा चेक कर लीजिए आप देखिए एट थर्टी फाइव का मतलब आपका एट थर्टी फाइव ए एम ही हुआ बिकॉज ए एम में पी एम वाले को हमने कन्वर्ट किया आ, इसको हमने लिया 13:45 थर्टीन फोर्टी फाइव ठीक है और उसके बाद घटाया तो यहाँ का आ गया फाइव आवर्स टेन मिनट्स तो फाइव आवर्स का मतलब हो गया फाइव सिक्स या थर्टी थ्री हंड्रेड ठीक है प्लस टेन थ्री हंड्रेड टेन सो टू विल बी करेक्ट आंसर ओके नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फोर्टी टू आप देख रहे होंगे स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर फोर्टी टू इन ये नंबर गिवन है द प्लेस वैल्यू ऑफ सिक्स एट द टेन थाउजेंड प्लेस तो टेन थाउजेंड प्लेस में ये वाला सिक्स है तो इसकी वैल्यू इसकी प्लेस वैल्यू हो जाएगी सिक्सटी थाउजेंड ठीक है इसकी प्लेस वैल्यू होगी सिक्सटी थाउजेंड एंड इज डेस्ट टाइम्स द प्लेस वैल्यू ऑफ सिक्स एट हंड्रेड प्लेस तो सिक्स एट हंड्रेड प्लेस की प्लेस वैल्यू हो जाएगी सिक्स हंड्रेड तो दोनों को डिवाइड कर लिए कितना टाइम से कितना गुना है वो आपका मालूम चाहिए जीरो से जीरो कैंसिल जीरो से जीरो कैंसिल दो जीरो कैंसिल सिक्स से हंड्रेड को डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा हंड्रेड ठीक है तो हंड्रेड टाइम्स हो जाएगा आपका ये सो टू विल बी करेक्ट आंसर ओके सो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फोर्टी थ्री अनिल हैड सेवेंटी एट पॉइंट सिक्स मीटर फेब्रिक विच वॉज जस्ट अनफ टू मेक वन सेट ऑफ यूनिफॉर्म फॉर ट्वेंट ट्वेल्व स्टूडेंट्स ठीक है हाउ मच फेब्रिक वुड बी यूज टू मेक वन यूनिफॉर्म तो वन यूनिफॉर्म बनाना है तो सीधे डिवाइड कीजिए सेवेंटी एट पॉइंट सिक्स को ट्वेल्व से डिवाइड कीजिए विल गेट द आंसर ओके सिंपल सा क्वेश्चन है ट्वेल्व सिक्स या सेवेंटी टू बचा आपके पास कितना सिक्स सिक्स पॉइंट ट्वेल्व फाइव या सिक्सटी सिक्स जीरो ट्वेल्व फाइव या सिक्सटी तो सिक्स पॉइंट फाइव फाइव मीटर सो तो थ्री विल भी करेक्ट आंसर ओके अगला वाला क्वेश्चन तो सिंपल सा आपका वैसे ही एज्यूम कर लेंगे आप लोग इसको मुझे समझाने की जरूरत नहीं पड़े बिकॉज ट्राइंग अगले सीरीज़ में क्या आएगा ट्राइंगल तो आप देख रहे होंगे ये सी वाला आपका आंसर हो जाएगा नाउ अगला क्वेश्चन है आपका फोर्टी फाइव वाला एन एथलीट फिनिशेज फोर हंड्रेड मीटर रेस इन फोटी एट सेकेंड्स हाउ मेनी मिनट्स हैज़ ई स्पेंड इन रनिंग इफ़ ही रेन फाइव टाइम्स ऑन द सेम ट्रैक ठीक है तो फोर क्या निकालना हमने मिनट्स तो 48 एट सेकेंड देखिए 48 एट सेकेंड में उसको डिस्टेंस कवर किया 400 मीटर ठीक है तो कितना टाइम टाइम हमने निकालना है तो टाइम को मैं एक्स मान लेता हूँ एक्स सेकेंड्स में पहले तो सेकेंड्स लें ठीक है हाउ उसको मिनट्स में फिर कन्वर्ट करेंगे हम लोग तो एक्स सेकेंड्स में इसने कवर किया कितना 400 का कितना टाइम्स फाइव टाइम्स पाँच गुना ज़्यादा दौड़ा तो फाइव से मल्टीप्लाई करो फोर हंड्रेड को कितना आ गया या फाइव इंटू फोर हंड्रेड ही लिख दो कोई बात नहीं फाइव इंटू फोर हंड्रेड लिख देते हैं ठीक है इसको सॉल्व करना आसान हो जाएगा क्योंकि फोर हंड्रेड से फोर हंड्रेड कैंसिल हो गया और यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई तो आपका क्या हो जाएगा फोर्टी एट इंटू फाइव फोर्टी एट इंटू फाइव में जाने की फाइव एट या फोर्टी के री फोर फाइव फोर या ट्वेंटी 24. ट्वेंटी फोर टू फोर्टी मिनट्स टू फोर्टी मिनट्स ठीक है तो इसको सिक्सटी से डिवाइड कर लीजिए तो आपका सेकेंड्स में आ जाएगा ज़ीरो सॉरी टू फोर्टी सेकेंड्स आपका ही इसको मिनट्स में कन्वर्ट करेंगे हम लोग ठीक है जो हमने आंसर निकाला वो सेकेंड्स में निकाला है तो सिक्सटी से डिवाइड करेंगे तो मिनट्स में कन्वर्ट हो जाएगा तो कितना आ जाएगा सिक्स फोर या ट्वेंटी फोर तो एक्स की वैल्यू कितनी आएगी फोर तो इसको लगेंगे चार घंटे ठीक है फोर आवर्स सो वन विल बी करेक्ट आंसर ओके होप दिस इज क्लियर नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग्स आर अरेंज इन डिसेंडिंग ऑर्डर तो डिसेंडिंग ऑर्डर में कौन से अरेंज हैं देखिए पहले वाले ऑप्शन में देखिए तो सबके न्यूमरेटर सेम है तो सबके न्यूमरेटर सेम है तो यहाँ पे जो डिनोमेटर्स हैं देखिए न्यूमरेटर सेम है अगर डिनोमेटर्स जिसका छोटा होगा वो वैल्यू ज़्यादा आएगी ठीक है तो ये देखिए ये वैल्यू चलो बड़ी आई लेकिन इससे बड़ा ये है सेवन तो इसकी वैल्यू क्या आएगी इससे कम आएगी मीनस जिसका डिनोमेटर छोटा होगा उसकी वैल्यू ज़्यादा आएगी क्योंकि सबके न्यूमरेटर सेम है तो ये वाला ऑप्शन तो वैसे ही इनकरेक्ट हो गया क्योंकि ना यहाँ पे नीचे में देखिए उल्टा फुलटा हो रखा है कहीं फाइव फिथ थ्री लास्ट में ठीक है तो यहाँ पे सबसे बड़ी वैल्यू के लिए क्या होना चाहिए सबसे छोटा ला सबसे पहले इस यहाँ पे थ्री होना चाहिए था फिर उसके बाद फाइव होना चाहिए था फिर सेवन नाइन थर्टीन तब ये आपका डिसेंडिंग ऑर्डर माना जाता तो ये वैसे ही गलत हो गया अगले वाले में देखिए सबके डिनोमेटर सेम है सबके डिनोमेटर सेम है अगर सबके डिनोमेटर सेम है तो भाई जो ऊपर वाली वैल्यू है जिसकी बड़ी होगी वही आंसर होगा तो सबसे बड़ा कौन है यहाँ पे सबसे बड़ा तो फोर्टीन है तो फोर्टीन सबसे बड़ा होना चाहिए था बट यहाँ सिक्स दे रखा है सबसे आगे में सिक्स ऑफ इलेवन तो ये भी गलत हो गया ठीक है और लास्ट डी वाले में देखिए सबके न, आ, सबके डिनोमीटर सेम है ठीक है सबके डिनोमीटर सेम है नाइन यहाँ भी सेम है टू की तरह है लेकिन सबसे अगर डिनोमीटर सेम है तो सबसे ऊपर जो न्यूमरेटर है न्यूमरेटर जिसका बड़ा होगा वो सबसे बड़ा होगा तो यहाँ पे टेन जो है थर्टीन से बड़ा तो है नहीं सबसे पहले यहाँ पे थर्टीन आना चाहिए था फिर टेन आना चाहिए सॉरी सबसे पहले फिफ्टीन आना चाहिए देखिए सबसे बड़ा वैल्यू यहाँ फिफ्टीन है तो सबसे पहले फिफ्टीन आना फिर थर्टीन फिर आ, जो आपका टेन है फिर ठीक है सोन सेवन फाइव फिर आते तो ये तीन ऑप्शन तो वैसे ही गलत हो गए तो आपके पास एक ही ऑप्शन बचा सी वाला यही आपका इसका आंसर हो जाएगा ठीक है तो इसमें ज़्यादा सोचने वाला क्वेश्चन नहीं था थोड़ा सा लॉजिकल है हल्का सा सॉल्व करने की जरूरत नहीं थी ओके सो वट इज़ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट वट मस्ट बी एडेड टू Uh, इसमें क्या ऐड करेंगे टू पॉइंट फोर सिक्स टू फोर में टू गेट इतना तो दोनों को आप घटा दीजिए सीधा आंसर आ जाएगा सिक्स पॉइंट सेवन एट फाइव में से टू पॉइंट फोर सिक्स टू फोर फोर सिक्स टू फोर घटा दीजिए तो यहाँ ज़ीरो टेन में से फोर गया सिक्स फोर में से टू गया टू और यहाँ एट में से सिक्स गया टू सेवन में से फोर गया थ्री और सिक्स में से टू गया फोर फोर पॉइंट थ्री टू टू सिक्स फोर पॉइंट थ्री टू टू सिक्स सो सी विल बी करेक्ट आंसर ओके नाउ लेट अस गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर फोर्टी एट तो इसमें से ग्रेटेस्ट फ्रैक्शन निकालना है बेटा देखो सिंपल सा क्वेश्चन है फिर भी इन सब के न्यूमरेटर क्या है सेम है देखिए आप इन सब के न्यूमरेटर सेम है तो ग्रेटेस्ट वैल्यू के लिए जो डिनोमेटर सबसे छोटा होगा वही सबसे बड़ा होगा ठीक है तो इसका सबसे छोटा डिनोमेटर कौन सा है इलेवन से ये इलेवन तो है नहीं सेवन है नहीं थर्टीन है नहीं नाइन है नहीं तो थ्री सबसे छोटा है इन सब में से डिनोमेटर्स में से ठीक है तो ये सबसे बड़ी वैल्यू हो जाएगी सो डी विल बी करेक्ट आंसर ओके नाउ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दैट इज फोर्टी इन अ पर्टिकुलर ईयर सेवेंटी सिक्स लैख फोर्टी थ्री थाउजेंड एट हंड्रेड इतने जो हैं वेयर गर्ल्स हाउ मेनी वेयर बॉयज तो दोनों को घटाना है आपने तो so, सिंपल सा है आपका ये सेवेंटी सिक्स फोर थ्री एट सेवन टू में से किसको सबटेक्ट करना है ये आपके गर्ल्स को सप्ट्रेड करने हैं तो बॉयज़ आ जाएगा ओके थ्री सेवन ये है यहाँ पे और यहाँ है फोर टू तो इनको माइनस कीजिए ठीक है टू में से टू गया जीरो सेवन में से जीरो गया सेवन एट में से सिक्स गया टू थ्री में से सेवन मानेंगे थर्टीन में से सेवन सिक्स आ जाएगा यहाँ थ्री में से थ्री जीरो और सिक्स में से टू फोर और सेवन में से फोर थ्री तो थर्टी फोर लेख सिक्स थाउजेंड टू हंड्रेड सेवेंटी थर्टी फोर लैक्स सिक्स थाउजेंड टू हंड्रेड सेवेंटी सो सी विल भी करेक्ट आंसर ओके नाउ कम टू द नेक्स्ट दैट इज क्वेश्चन नंबर फिफ्टी विच ऑफ़ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट कौन सा गलत है ठीक है गलत कौन सा है ये हमने निकालना है तो देखिए एरिया हमें ये है रेक्टेंगल की लेंथ और ब्रेथ हमने देखने कौन ही है क्योंकि लेंथ इंटू ब्रेथ एरिया होती है तो पहले चेक कर लीजिए ठीक है पहले वाले को हम मल्टीप्लाई नहीं करते हैं फिलहाल अभी है क्योंकि डेसिमल में थोड़ा टाइम टेकिंग हुआ तो ईजी वाले जो मल्टीप्लाई उनको कर लेते हैं ठीक है एल इन बी करते हैं इनको देखिए ये आपका करेंगे तो सिक्सटीन इंटू कितना हो जाएगा सिक्सटीन फाइव जहाँ एट्टी सिक्सटीन वन जै सिक्सटीन प्लस एट टू फोर्टी तो एरिया इसकी टू फोर्टी आ रही है तो बिल्कुल ये सही है मींस ये आपका आंसर नहीं है इसमें सही और भी होंगे ठीक है थर्ड वाले को देखते हैं फिफ्टी फोर इंटू फाइव फाइव फोर या ट्वेंटी फ़ाइव फाइव जीट ट्वेंटी फाइव प्लस टू टू सेवेंटी तो इसका कितना आ रहा है लेंथ और ब्रेथ को मल्टीप्लाई करके आप देख रहे होंगे फाइव फोर जीट ट्वेंटी टू फाइव फाइव जो फाइव फाइव जो ट्वेंटी फाइव प्लस टू ट्वेंटी सेवन टू सेवेंटी आ, 27. आ रहा है दैट मीन्स एरिया के बराबर नहीं आ रहा है ठीक है एरिया कितनी है टू फोर्टी आना चाहिए था अब देखिए इस वाले में आपका टू फोर्टी आएगा थर्टी टू इंटू सेवन पॉइंट फाइव तो अब इसको मल्टीप्लाई करें फाइव टू जेट टेन केरी वन फाइव टू जैट फिफ्टीन सिक्सटीन सेवन टू जैर फोर्टीन फोरटीन टू ट्वेंटी एट ट्वेंटी नाइन थर्टी केरी थ्री सेवन थ्री जै ट्वेंटी वन प्लस थ्री ट्वेंटी फोर ट्वेंटी फोर टू फोर्टी पॉइंट जीरो यानी कि टू फोर्टी आर है ठीक इस है इसमें भी टू फोर्टी आ रहा है सेकेंड वाले में टू फोर्टी आर था फर्स्ट वाले को मल्टीप्लाई करेंगे इसमें भी टू फोर्टी आएगा तो सी वाले में देखिए आप सिंपल से है फिफ्टी फोर इंटू फाइव करके फाइव फोर जै ट्वेंटी फाइव टू सेवेंटी है दैट मीस तो ये एरिया के बराबर नहीं आया तो यही आपका इसका आंसर हो जाएगा ओके नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दैट इज फिफ्टी वन ये सिंपल सा आपका आ गया तो सिक्स अपॉन एट डिवाइडेड की जगह पर मल्टीप्लाई करेंगे तो उल्टा हो जाएगा फ्रैक्शन टू बाई थ्री और इंटू फोर बाई फाइव ऐसे ही सॉल्व हो गई ठीक है फोर से आप कैंसिल कीजिए फोर से एट को फोर टू या एट टू से टू भी कैंसिल हो गया कितना बच गया फिर आपके पास थ्री से कैंसिल होगा आपका सिक्स थ्री टू झा सिक्स तो बचा ऊपर में टू और नीचे में बच गया फाइव सो तो डी विल बी करेक्ट आंसर ओके सो तो नेक्स्ट वाला भी आपका डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी के ऊपर क्वेश्चन आ गया है वन ट्वेंटी सेवन इंटू वन ट्वेंटी सेवन इंटू फिफ्टीन इक्वल टू एम इन फिफ्टीन प्लस एन इंटू फिफ्टीन तो फिफ्टीन दोनों जगह सेम है देखिए आप फिफ्टीन दोनों जगह तो फिफ्टीन ये आपका फिफ्टीन दोनों जगह डिस्ट्रीब्यूट हो गया है वन ट्वेंटी सेवन को तोड़ना है दो पार्ट्स में ताकि इनका सम करके वन ट्वेंटी सेवन आए तो एम की जगह पर देखिए अगर आप ऑप्शन देखें तो डी वाला ऑप्शन देखिए अगर एम की जगह पर हम हंड्रेड रखेंगे और एन की जगह पर ट्वेंटी सेवन रखेंगे तो हंड्रेड प्लस ट्वेंटी सेवन कितना हो जाएगा वन ट्वेंटी सेवन के बराबर आ जाएगा ठीक है ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी से आ गया डी विल बी करेक्ट आंसर नाउ इसके बाद फिफ्टी थ्री वाला क्वेश्चन देखिए हाउ मेनी पार्ट्स ऑफ द गिवन फिगर शुड बी सेडेड टू रिप्रेजेंट थ्री अपॉन सेवन तो टोटल तो पार्ट्स कितने हैं इसमें वन तो टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन अलेवन ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन पार्ट्स हैं ठीक है तो फोरटीन पार्ट्स हैं टोटल उसमें से कितना सेट करेंगे कि थ्री अपॉन सेवन हो जाए तो यहाँ सिक्स पार्ट को सेट कर लेंगे सिंपल सा क्वेश्चन अगर तो आपके दिमाग है वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन सिक्स ठीक है सिक्स ही पार्ट सेट करेंगे तो सिक्स करेंगे तो कैंसिल करके कितना two, three six, two, seven three upon seven आ रहा है टू थ्री या सिक्स टू सेवन या फोर्टीन थ्री आ सेवन है नहीं आ रहा है देखिए आप ठीक है तो यहाँ पे कितना आंसर हो जाएगा डी क्योंकि सिक्स में से फोर्टीन की जो वैल्यू होती है सिक्स अपॉइन्ट फोर्टीन की वैल्यू किसके बराबर होती है काट के वो सीधे थ्री टू सॉरी टू थ्री या सिक्स टू सेवन या फोरटीन थ्री अपॉइंट सेवन के बराबर ही आता है तो आंसर हो जाएगा आपका सिक्स मीन्स डी वाला जो ऑप्शन है ओके नाउ कम टू नेक्स्ट फिफ्टी थ्री के याद फिफ्टी फोर वाला फिफ्टी फोर वाला क्वेश्चन देखिए आप ये सब क्वेश्चन वेरी सिंपल सिंपल हैं आपके देखिए हाउ मेनी एक्यूट एंगल्स आती है तो इसे डायरेक्ट लिख रहा है ये आपका एक्यूट एंगल है वन ये भी एक्यूट एंगल है टू ये भी एक्यूट एंगल है थ्री ये भी एक्यूट एंगल है फोर ये भी एक्यूट एंगल है फाइव ये भी एक्यूट एंगल है सिक्स तो टोटल एक्यूट एंगल्स हैं जो कि लेस देन नाइन्टी डिग्री होनी चाहिए ठीक है तो ये आपके टोटल हो गए सिक्स एज यू कैन सी हियर ठीक है ओके होप दिस इज क्लियर सो so, आप देख रहे होंगे सिक्स विल बी

कितना बचा एट फ़िफ्टीन फाइव जै सेवेंटी फाइव फिफ्टीन फाइव या सेवेंटी फाइव ठीक है तो एट फाइव वाला आपको एक ही ऑप्शन दिख रहा है मीन्स आगे हम डिवाइड करेंगे तो जो सिक्स ही आएगा यहाँ पे तो एट फाइव वाला देखिए आप कोई 8 जीरो है एट फोर है एट सेवन है तो एट फाइव वाला एक ही है शुरू में देखिए आप तो ये आपका आंसर हो जाएगा बाकी आगे डिवाइड करेंगे तो घटा करके आप सीधे ये आ जाएगा ठीक है फिफ्टीन सी या नाइन्टी आपका आ जाएगा आप चेक कर सकते हैं डिवाइड करके फिफ्टी एट या वन ट्वेंटी एट था ठीक है फिर सेवन जो गया फिर नाइन टेक करिए नाइन आ गया नाइन जीरो फिफ्टीन सी या नाइन्टी हो गया ओके होप दिस इज क्लियर नाउ क्वेश्चन नंबर फिफ्टी सिक्स प्रिया वेस फोर्टी टू के जी एंड कायरा वेस इतना टोटल वेट निकाल तो उनको ऐड करना है डेसिमल को तो फोर्टी टू का मतलब फोर्टी टू पॉइंट जीरो हो गया और दूसरा है आपका थर्टी नाइन पॉइंट फाइव अब इनको ऐड कीजिए कितना आ जाएगा फाइव नाइन टेन अलेवन के जी वन सेवन एट्टी वन पॉइंट फाइव ग्राम इसको हम 81.5 kg है आपका ही इसको हम ग्राम में चेंज करेंगे थाउजेंड से मल्टीप्लाई करेंगे तो डेसिमल तीन प्लेस किसके का ये देखो एटी वन कितने भी जीरो लगा दो इसके आगे फर्क नहीं पड़ता है तो डेसिमल थाउजेंड से मल्टीप्लाई तो डेसिमल कितने इस साइड को तीन प्लेस किसके का तो वन टू थ्री तो यहाँ आ जाएगा डेसीमल यानी कि एटी ठीक है एटी वन ग्राम सो सी विल बी करेक्ट आंसर नाव उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आइडेंटिफाई मीन्स ये आपने एंगल क्रिएट किया मिनट हैंड एंड आवर हेड ने 2:30 थर्टी पी में तो इसमें सिंपल सा है आपका ये इसमें अगर आप क्लॉक बना देंगे ऐसे ये 12 आपको मालूम है यहाँ सिक्स होता है यहाँ यहाँ कितना थ्री और यहाँ आपका नाइन हो गया है टू टू ये मान लेते हैं वन टू ये 12 था वन टू ये आपका 3 हो गया ठीक है तो देखिए सबसे पहले तो मिनट हैंड आपका यहाँ होगा सिक्स पे टू थर्टी में और आवर हैंड होगा ठीक टू और थ्री के बीच में ठीक है टू और थ्री के बीच में अगर हम देखें यहाँ पर अगर हम प्रॉपरली बात करें तो हमारा जो ये आपका नाइन्टी डिग्री का एंगल बन रहा था अगर ये थ्री है और यहाँ सिक्स है ये नाइन्टी होता है बट आवर ये जो हमारा आवर हैंड है आवर हैंड है ये यह यहाँ पे है कहीं ठीक है तो ये एंगल जो है नाइन्टी डिग्री से बड़ा बन रहा है आप देख रहे होंगे ओके क्योंकि exactly एग्जैक्टली आप फिगर बनाएंगे तो ये नाइन्टी डिग्री से बड़ा बनेगा दैट मीन्स ऑफ्ट्यूज़ एंगल होगा सो so, अब यहाँ पर एग्जैक्टली exactly नहीं बन पा रहा है तो आप इसको प्रॉपरली बनाइएगा देखिएगा कि ये नाइन्टी डिग्री से थोड़ा सा बढ़ा रहा है हल्का सा बढ़ा रहा है दैट मीन्स इट विल बी ऑप्ट्यूज ओके नाउ कम टू द नेक्स्ट इसको थोड़ा सा रब कर लेते हैं हम लोग ये डिस्टर्ब करेगा ठीक है इसको रब कर लेते हैं हम लोग नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज अ डीलर परचेज फिफ्टी टेबल्स पचास टेबल इतने में खरीदे मीन्स uh, एक पचास टेबल एक टेबल की कॉस्ट थी इतनी फोर थाउजेंड फाइव हंड्रेड सेवेंटी नाइन टेबल्स कॉट डैमेज नौ टेबल ख़राब हो गए ही सोल्ड द रिमेनिंग टेबल्स जो बचे थे उनको उन्हें फाइव हंड्रेड एट में बेचा तो हमने देखना है प्रॉफिट हुआ लूज क्या हुआ ये हम चेक करते हैं तो कॉस्ट प्राइस देखते हैं कितने में इसको बैठा तो कॉस्ट प्राइज होगा फोर फाइव सेवन जीरो इन क्योंकि एक टेबल की कॉस इतनी थी तो फिफ्टी टेबल्स की कॉस्ट हमने निकालनी है तो मल्टीप्लाई करिए दो जीरो तो पहले आ गया फाइव सेवन जी थर्टी फाइव के री थ्री फाइव फाइव जो ट्वेंटी फाइव प्लस थ्री ट्वेंटी एट के री टू फाइव फोर ट्वेंटी ट्वेंटी टू ट्वेंटी टू टू ट्वेंटी एट थाउजेंड फाइव हंड्रेड का इसका कॉस्ट प्राइस था ठीक है दोबारा चेक करो फाइव सेवन थर्टी फाइव केरी थ्री फाइव एज ट्वेंटी फाइव प्लस थ्री ट्वेंटी एट प्लस टू सॉरी के री टू फाइव फोर ट्वेंटी ट्वेंटी टू बिल्कुल सही है और नाइन टेबल ख़राब हो गई यानी कि तो अब उसने बेचे कितने टेबल नाइन टेबल तो बेच नहीं सकता खराब हो चुके हैं डैमेज हो चुके हैं तो बचे कितने टेबल फोर्टी वन तो सेलिंग प्राइस अब उसने क्या किया फ़ोर्टी वन टेबल को एक टेबल को फाइव थाउजेंड की रेट पे बेच दिया ठीक है तो इनको मल्टीप्लाई कीजिए आप देखिए फाइव वन जो फाइव फाइव फोर ट्वेंटी और बाकी तीन जीरो आ गए तो यहाँ पर आपका आ गया टू लैख फाइव थाउजेंड ठीक है टू लैक फाइव थाउजेंड खरीदा कितने में था टू लैख ट्वेंटी एट थाउजेंड फाइव हंड्रेड में तो जाहिर सी बात है इसको लॉस हो रहा है क्योंकि ज़्यादा में खरीदा और कम में बेचा तो लॉस कितना हो गया दोनों को आप घटा दीजिए टू ट्वेंटी एट फाइव हंड्रेड यहाँ लिखा और उसके बाद टू लेख फाइव थाउजेंड ये आपका आ गया घटा दो जीरो जीरो फाइव एट में से थ्री एट में से फाइव या थ्री ट्वेंटी थ्री ट्वेंटी थ्री थाउजेंड फाइव हंड्रेड क्या हुआ लॉस हुआ ओके सो ही इनकर्ड अ लॉस ऑफ ट्वेंटी ट्वेंटी फाइव हंड्रेड सो सी विल बी करेक्ट आंसर नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन कह रहा है आई एम अ फाइव डिजिट इवन नंबर मैं एक फाइव डिजिट इवन नंबर हूँ आई हैव गॉट चलो फाइव डिजिट का नंबर माने वंस देखो वंस टेंस हंड्रेड थाउजेंड टू हम लेगा वंस टेंस

थ्री कम करो ये सिक्स हो गया टेन थाउजेंड प्लेस की जो है टेंस प्लेस से तीन कम है ओके okay? यहाँ तक हो गया द डिजिट एट द हंड्रेड प्लेस इज हाफ ऑफ द वैल्यू ऑफ द डिजिट एट द टेन थाउजेंड प्लेस ओके सो कौन सी डिजिट द डिजिट एट द हंड्रेड हंड्रेड प्लेस पे जो डिजिट है वो हाफ है किसकी हाफ है टेन थाउजेंड प्लेस में जो डिजिट है उसका हाफ टेन थाउजेंड प्लेस में सिक्स है तो सिक्स का हाफ कितना हो गया थ्री ठीक है और द डिजिट एट द थाउजेंड प्लेस थाउजेंड प्लेस में जो डिजिट है यहाँ पे वो डबल है किसका वंस प्लेस में जो डिजिट है उसका डबल और साथ में लिखा है शुरू में देखिए आई एम अ फाइव डिजिट इवन नंबर तो इवन नंबर है पहली कहानी ये है सो so, इसमें से थर्ड ऑप्शन तो वैसे ही गलत हो गया ठीक है ये इवन नंबर नहीं है बिकॉज इट इज़ ऑड नंबर तो आंसर हमारा भी आप कौन कौन से बच गए फर्स्ट सेकेंड और फोर्थ अब इसमें देखिए अगर हम ध्यान से देखें इसको फर्स्ट वाले में देखिए ये अब वैसे गलत हो गया बिकॉज हंड्रेड प्लेस में थ्री है बट यहाँ हंड्रेड प्लेस में फोर है तो ये गलत हो गया ठीक है और यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर टू में चलो यहाँ पे टेन थाउजेंड प्लेस में सिक्स है बिल्कुल सही है हंड्रेड प्लेस में थ्री है बिल्कुल सही है और टें प्लेस में नाइन है ये भी सही है बट यहाँ पर इन दोनों का गड़बड़ हो रहा है देखियो यहाँ पर वन और टू जो है वन जो है थाउजेंड प्लेस में है और वंस प्लेस में टू है तो ये कह रहा है कि जो थाउजेंड प्लेस में जो डिजिट है उसका डबल होना चाहिए वंस प्लेस का बट ऐसा नहीं है उल्टा हो रहा है यहाँ पे वंस वाला जो है थाउजेंड प्लेस का डबल है तो ये भी आंसर नहीं होगा तो आंसर क्या बचा लास्ट में डी वाला ऑप्शन देखो यहाँ पे जो थाउजेंड प्लेस में डिजिट है एट है और वंस प्लेस में जो डिजिट है वो फोर है फोर का डबल एट हो गया बाकी आप सिक्स थ्री नाइन आप देख रहे हो यहाँ मैच कर सकते हैं सो डी विल बी करेक्ट आंसर ओके नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर सिक्सटी द प्रोडक्ट ऑफ द एल सी एम एंड एच सी एफ मीन्स एल सी एम और एच सी एफ का जो प्रोडक्ट है वो इतना है वन नंबर ट्वेंटी थ्री है फाइंड अदर तो क्वेश्चन हमेशा आता है आपको मालूम ही प्रॉपर्टी आपको मालूम ही एल सी एम इन एच सी एफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स तो एक नंबर ट्वेंटी थ्री है दूसरा नंबर हमें मालूम नहीं है तो उसको एक्स मान लेते हैं ठीक है तो यहाँ से एल सी एम हमें गिवेन है एल सी एम और एच सी एफ का प्रोडक्ट हमें गिवन है थ्री हंड्रेड ट्वेंटी टू और यहाँ ट्वेंटी थ्री यहाँ डिवाइड में आ जाएगा इस तरफ तो यहाँ एक्स की वैल्यू ट्वेंटी थ्री से डिवाइड कर लो उसको ठीक है तो ट्वेंटी थ्री कितना जाए ट्वेंटी थ्री वन जा ट्वेंटी थ्री और यहाँ पर आ जाएगा ट्वेंटी थ्री वन जा ट्वेंटी थ्री कितना बचा नाइन ट्वेंटी थ्री फोर जा नाइन्टी टू तो फोटीन आपका हो जाएगा आंसर ओके सो बी विल बी करेक्ट आंसर इसमें नेक्स्ट वाट वाटर इमेज तो वाटर इमेज में उल्टा हो जाएगा जस्ट इसका ठीक है ये उल्टा करने पे एक ही आपका बन रहा है क्योंकि ये डायरेक्टली उल्टा हुआ वाटर मेंज आके so, सो इसमें वाटर इमेज जैसे आपका है क्योंकि मिरर इमेज तो जस्ट लेटरली वो होते हैं बट इट इज़ वाटर इमेज तो वाटर इमेज में क्या होगा आपका सो आई एम नॉट श्योर अबाउट इट क्योंकि अगर ये मिरर इमेज होता तो ये लेटरली चेंज होता है जैसे एस का उल्टा हो जाता है ऐसे ये ऐसा है तो ये ऐसा हो जाता है ना ई e, ऐसे हो जाता लेफ्ट ये ई ऐसे ही रहता है. आर जो है इस तरफ आ जाता सी जो है इस तरफ ऐसे हो जाता है एच वैसे ही रहता है ये आपका मिरर इमेज बनती बट वाटर इमेज में जहाँ तक है ये आपका बी होना चाहिए मेरे हिसाब से आंसर ठीक है उल्टा जाएगा जस्ट तो ऐसा होना चाहिए ए का हाँ उल्टा ही होगा वाटर इमेज तो बी शुड बी करेक्ट आंसर देख लीजिएगा आप इसको फिलहाल ओके नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सिक्सटी टू विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज़ इनकरेक्ट तो कौन सा इनकरेक्ट है तो टू पॉइंट फाइव जीरो पॉइंट फोर बिल्कुल सही है वन पॉइंट वन फोर सेवन इज ग्रेटर देन ये भी बिल्कुल सही है साफ साफ दिख रहा है फाइव पॉइंट एट सिक्स टू इज लेस देन फाइव ये भी बिल्कुल सही है अब थ्री पॉइंट टू वन इज ग्रेटर देन थ्री पॉइंट टू 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 साफ दिख रहा है कि ये आपका उल्टा देखा है ठीक है थ्री पॉइंट टू 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 ग्रेटर होना चाहिए था इससे तो ये आपका आंसर हो जाएगा डी वाला Now, ये अब रोमन वाला आपको मालूम ही होगा सा क्वेश्चन है वैसे है. ठीक है तो इसका आंसर हो जाएगा बी इसको आप सॉल्व करिएगा रोमन वाला तो सिंपली ये सबको मालूम है हाउ टू सॉल्व दिस ओके तो अगला चलते हैं राउंडिंग ऑफ वाले में राउंडिंग टू द नियरेस्ट हंड्रेड तो नियरेस्ट हंड्रेड में आपका देखिए सेवेंटी uh, इसमें हंड्रेड देखो बाकी चीजों मत देखो फाइव हंड्रेड सिक्सटी वन है तो फाइव हंड्रेड सिक्सटी वन में के आसपास कौन सा हंड्रेड नजदीक है फाइव हंड्रेड या सिक्स हंड्रेड तो आप देखें फाइव हंड्रेड सिक्सटी वन के नजदीक में सिक्स हंड्रेड है तो बाकी यहाँ पे कुछ चेंज नहीं आएगा ये केवल सिक्स हंड्रेड बन जाएगा बाकी डिजिट वैसे रहेंगे सेवन थ्री फोर एट वैसे ही रहेगा सेवन थ्री फोर एट वैसे रहेगा ये आपका आ गया सिक्स हंड्रेड यो टू विल बी करेक्ट आंसर ओके तो अब नेक्स्ट वट शुड बी सब्ट्रेक्टेड फ्रॉम थ्री मिलियन तो थ्री मिलियन से क्या घटाएंगे कि इतना नच दोनों को घटा दीजिए थ्री मिलियन का मतलब क्या होता है थर्टी लैख थर्टी वन टू थ्री फोर फाइव थर्टी लैख और यहाँ आपका सेवेंटीन लैख सिक्सटी फाइव थाउजेंड फोर हंड्रेड नाइन्टी एट अब इन दोनों को हमने सब्ट्रैक करना है तो आपका टू नाइन में से नाइन गया ज़ीरो नाइन में से फोर गया नाइन में से फोर गया फाइव नाइन में से फाइव गया फोर और नाइन में से सिक्स गया थ्री नाइन में सेवन टू और टू में से वन 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 टू थ्री फोर फाइव वन टू थ्री फोर फाइव वन टू थ्री फोर फाइव है कहीं पे कि वन टू थ्री फोर फाइव जीरो टू ठीक है ये आपका आ जाएगा दिस वन बी वाला ऑप्शन वन टू थ्री फोर फाइव जीरो टू आप घटा लीजिएगा ओके सिंपल सा क्वेश्चन है अगर यहाँ पे घटाने में कुछ गड़बड़ी भी हो तो यू कैन सब्ट्रैक्ट इट सबट्रैक करना तो हर किसी को आता है ओके जो नहीं कि मैंने जो सबट्रैक किया है वो बिल्कुल सही आएगा सो आई एम नॉट गॉड कभी कभी आदमी से भी गलती हो जाती है ओके यू कैन सब्ट्रैक्ट इट एंड चेक द आंसर नाउ क्वेश्चन नंबर सिक्सटी सिक्स श्रेया हैज थर्टी टू रेड पेंस एंड फिफ्टी सिक्स ब्लू पेन्स सी वॉन्ट्स टू मेक पैक्स ऑफ इक्वल नंबर ऑफ पेंस आउट ऑफ दैम इन सच अ वे दैट ईच पैक हैज़ पेन्स ऑफ ओनली वन कलर हाउ मेनी पेन्स वुड बी देयर इन द बिगेस्ट पैक तो सीधे इनका एच सी एफ निकालना आपने एच सी एफ हमारे हाइस्ट कॉमन फैक्टर कौन सा होगा तो यहाँ ऑप्शन से बन जाएगा आपकी थर्टी टू और फिफ्टी सिक्स का एस क्या होगा अब देखिए सबसे बड़ा नंबर यहाँ ट्वेल्व है नहीं सिक्सटीन है क्या सिक्सटीन के टेबल में दोनों सिक्सटीन से क्या दोनों डिविजिबल हैं थर्टी और फिफ्टी नहीं है सिक्सटीन टू या थर्टी टू था लेकिन सिक्सटीन के टेबल में फिफ्टी सिक्स नहीं आता यानी कि सिक्सटीन तो आंसर होगा नहीं फिर उससे छोटा नंबर आपका 12। तो 12 से जो है ट्वेल्थ के टेबल में कोई भी नहीं आता है तो ट्वेल्थ भी आंसर नहीं होगा अब इससे छोटा है एट एट के टेबल में दोनों आते हैं थर्टी भी एट फोर या थर्टी टू एट सेवन या फिफ्टी सो टू विल भी करेक्ट आंसर ओके कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सिक्सटी सेवन इफ़ द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग वन मीटर मीन्स वन मीटर का कॉस्ट जो फेंस करने का वो है टू हंड्रेड फिफ्टीन रुपीज़ फाइन द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग अ पार्क विथ लेंथ और ब्रेथ आपको गिवन है ठीक है तो पेरीमीटर निकाल देना इसका पार्क का तो पार्क का पेरीमीटर क्या हो जाएगा टू इंटू एल प्लस बी यानी कि टू इंटू लेंथ और ब्रेथ को जोड़ो फोर्टी फाइव और ट्वेंटी थ्री को जोड़िए कितना रहे फोर्टी फिफ्टी सिक्सटी सिक्सटी एट आ गया सिक्सटी एट आ गया यानी कि इन करेंगे तो सिक्सटी एट का डबल टू एट जी सिक्सटीन टू सिक्स जै ट्व वन थर्टी सिक्स आ गया ठीक है वन थर्टी सिक्स मीटर इसकी टोटल फेंस की लेंथ हो गई अब वन थर्टी सिक्स को आपने टू हंड्रेड फिफ्टीन से मल्टीप्लाई करने हैं टू हंड्रेड फिफ्टीन मल्टीप्लाई बाई वन थ्री सिक्स ठीक है सिक्स फाइव या थर्टी के री थ्री और सिक्स वन जै सिक्स सेवन एट नाइन और सिक्स टू जो ट्वेल्व ना अब इसकी बात कर लेते हैं हम लोग थर्टीन फाइव या सिक्सटी फाइव के री सिक्स थर्टीन वन या थर्टीन प्लस सिक्स नाइनटीन के वन थर्टीन टू या ट्वेंटी सिक्स ट्वेंटी सेवन ज़ीरो फोर और यहाँ है नाइन टेन एलेवन ट्वेल्व के री वन सेवन एट नाइन और टू कितना टू नाइन टू फोर ज़ीरो टू नाइन टू फोर जीरो आप देख रहे होंगे एक बार मल्टीप्लाई करके आप चेक कर लीजिएगा ठीक है वेदर यू आर गेटिंग द राइट रिजल्ट और नॉट एक बार दोबारा चेक करता हूँ सिक्स फाइव या थर्टी के री थ्री नाइनटी सिक्स टू ट्वेल्व बिल्कुल सही थर्टीन फाइव या सिक्सटी फाइव के री सिक्स थर्टीन हो थर्टीन प्लस सिक्स नाइनटीन थर्टीन टू जाए ट्वेंटी सिक्स प्लस वन ट्वेंटी सेवन जीरो फोर्टीन के री वन नाइनटीन इलेवन ट्व के री वन सेवन एट नाइन ये टू टू नाइन टू फोर जीरो तो आपका पहला लाइज ऑप्शन है ये आपको दिख रहा है टू नाइन टू फोर जीरो इट विल बी करेक्ट आंसर ओके नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज क्वेश्चन नंबर 68 द एरिया ऑफ ए ट्राइंगल हुज बेस इज 12 सेंटीमीटर ठीक है बेस 12 सेंटीमीटर है एंड हाइट इज ट्वाइस इज बेस हाइट जो का, का है इसका बेस का डबल है ट्वाइस माने डबल तो एरिया ऑफ ट्राइंगल आपको मालूम है तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है तो बेस आपका आ गया 12 और हाइट जो है बेस का डबल है तो बेस का डबल यानी कि 12 का डबल कितना हो गया 24 तो हमने बस एरिया निकल गई आपकी हाफ इंटू बेस इंटू हाइट फॉमूला आपको मालूम ही है टू से ट्वेंटी फोर को काटते हैं ट्वेल्व जाए तो ट्वेल्व इंटू ट्वेल्व कितना होता है ट्वेल्व का स्क्वायर वन फोर्टी फोर सो बी विल बी करेक्ट आंसर ओके नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज़ रमन स्टार्टेड जर्नी फोर आवर्स बिफोर समीर समीर से चार घंटे पहले इसने जर्नी स्टार्ट की समीर स्टार्टेड एट टू फिफ्टीन पी एम तो टू फिफ्टीन को मैंने कहा था क्या लिखेंगे टू फिफ्टीन को टू अवर टू पी एम को हम लिखते हैं फोर्टीन तो ये आपका आ जाएगा फोर्टीन फिफ्टीन फोटी फिफ्टीन ठीक है इससे चार घंटे पहले यानी कि फोर घटा दो इसमें से चार घंटे इसमें से घटा इस दीजिए आपका आ जाएगा फाइव वन टेन मीन्स टेन फिफ्टीन में इसने स्टार्ट की थी अपने जर्नी ठीक है तो रमन स्टार्ट इस जर्नी है टेन फिफ्टीन आप यहाँ से भी हिसाब लग सकते हैं टेन फिफ्टी से एलेवन फिफ्टीन टवेल्व फिफ्टीन थर्टीन फिफ्टीन और फिर उसके बाद फोर्टीन फिफ्टीन तो ये से भी आपका कितना रहा है हाँ फोर आवर्स आ रहा है यानी कि टेन फिफ्टीन थ्री विल बी करेक्ट आंसर नाउ कम टू इसमें कितना है आपका सेवेंटी सिक्स लैख फोर थाउजेंड एट्टी थ्री सेवनटी सिक्स लैख ये आपका डी वाला आंसर बिल्कुल सही से हुआ सेवेंटी सिक्स लैख फोर थाउजेंड एट्टी थ्री साफ साफ दिख रहा है तो डी विल बी करेक्ट आंसर ओके नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज इसके बाद पहले तो कुछ छूटा तो नहीं देख लेते एक बार ओके यहाँ तक हो चुका है नाउ कम टू द ग्राफ वाला जो क्वेश्चन है आपका ठीक है तो यहाँ पे देखिए पहले जो ग्राफ है इसको देखिए ग्राफ में अलग अलग एक्टिविटी में बच्चों ने पार्टिसिपेट किया डिबेट थिएटर स्विमिंग डांस एंड पेंटिंग इसमें नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दिखा रखा है ग्राफ बार ग्राफ के फॉर्म में तो डिबेट वाले हैं आपके साफ साफ दिख रहा है फिफ्टीन ठीक है और थिएटर वाले हैं आपके इसमें ये आपका टू के बराबर होगा टेन के ऊपर टू ज़्यादा है तो ये ट्वेल्व है ठीक है स्विमिंग वाले कितने हो गए ट्वेंटी ये भी ट्वेंटी टू प्लस टू कर देंगे ट्वेंटी टू ठीक है ये थोड़ा सा बड़ा है ट्वेंटी सॉरी ट्वेंटी टू अब यहाँ पे कितना था 15 से टीन ज़्यादा 18 दिस इज़ 18 ओके okay? एक बार अच्छे से चेक करिए पेंटिंग आपका है ये कहाँ 15 प्लस वन सिक्सटीन हो जाएगा अगर आप देखें बार ग्राफ को अच्छे से स्टार्ट करें तो यहाँ से देखिए 15 से थोड़ा सा बड़ा है ठीक है तो ये आपका हो जाएगा सिक्सटीन ये एटीन फिफ्टीन प्लस थ्री एटीन और ये आपका हो गया ट्वेंटी टू बिल्कुल सही है ये ट्वेल्व है थिएटर वाला ओके एंड आफ्टर दैट ये फिफ्टीन पे है डायरेक्टली अब देखते हैं लेटस्ट सी द क्वेश्चन ठीक है तो देखिए द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु चूज पेंटिंग इज़ तो पेंटिंग कितने लोगों ने चूज़ किया तो पेंटिंग में सिक्सटीन दिख रहा है आप लोगों को सॉरी पेंटिंग इज़ डेज मोर देन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु चूज थिएटर तो थिएटर वाले ट्वेल्व हैं पेंटिंग वाले सिक्सटीन हैं ठीक है थीके? तो सिक्सटीन में से आप ट्वेल्व घटाइए कितना आ रहा है फोर सो डी विल बी करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन वट इज़ द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ग्रेड फाइव तो ये आप देखें व्हाट इज़ द टोटल नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स ग्रेड फाइव तो टोटल नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स कितने जोड़ लो सबको ठीक है फिफ्टीन प्लस ट्वेल्व ट्वेंटी सेवन ट्वेंटी सेवन प्लस ट्वेंटी टू फोटी नाइन और यहाँ फोर्टी नाइन प्लस सिक्सटीन प्लस एट कितना सिक्सटीन प्लस एटीन हो गया थर्टी फोर जोड़ लीजिए कितना 83 आ रहा है एट्टी थ्री आ रहा है आपका ये ओके दिस इज़ 83 सो so, 83 है ऑप्शन में हमारे पास यस टू बी करेक्ट आंसर उसके बाद हाउ मेनी स्टूडेंट्स वेट देयर इन द टू लीस्ट लीस्ट पॉपुलर एक्टिविटीज सबसे कम पॉपुलर एक्टिविटीज़ यहाँ पे दो ही हैं एक तो डिबेट है सबसे सबसे छोटा थिएटर है उससे थोड़ा बड़ा कौन है डिबेट बाकी इनसे बड़े हैं तो लीस्ट पॉपुलर ये दोनों ही हैं डिबेट और थिएटर तो दोनों को ऐड कीजिए कितना आ गया फिफ्टीन प्लस ट्वेल्व ट्वेंटी सेवन तो यहाँ पे है ट्वेंटी सेवन दिख रहा होगा डी ऑप्शन में दिख रहा है आपको ओके एंड हाउ मेनी स्टूडेंट्स चूज डेंस तो डांस वाले देखिए डायरेक्ट क्वेश्चन है फिगर पर आप डेंस आपने बनाई रखा है डांस वाले टोटल स्टूडेंट्स कितने एटीन तो एटीन विल बी करेक्ट आंसर ओके सो बी विल बी करेक्ट आंसर एंड हाउ मेनी स्टूडेंट्स चूज स्विमिंग एज कम्पेयर टू डिबेट तो स्विमिंग कितने लोगों ने ज़्यादा प्रेफर किया डिबेट के कंपेरिजन में तो so, स्विमिंग और डिबेट को घटा दो तो स्विमिंग वाले कितने थे ट्वेंटी टू स्विमिंग वाले ट्वेंटी टू और डिबेट वाले थे फिफ्टीन Continue, 15 तो ट्वेंटी टू में से फिफ्टीन घटाइए कितना हो जाएगा सेवन तो साफ साफ इसका आंसर हो जाएगा सेवन यानी कि डी विल बी करेक्ट आंसर ओके तो ये आपका मैथ्स का पेपर इट इज़ कंप्लीट आई थिंक सो बाकी जो है वी विल डिस्कस लेटर ऑन जो रेस्ट ऑफ द मीन्स अगर आप चाहते हैं रीजनिंग वगैरह तो आई विल आई कैन डिस्कस रीजनिंग ऑल्सो बाकी जी के वी के वी मस्ट हैव स्टडीड वेल ओके पेपर सही या वो, गया होगा आप लोगों का एंड होप फॉर द सेलेक्शन ठीक है जिनका थोड़ा सा कम रह गया तो नेक्स्ट टाइम यू